ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की आवश्यकता और महत्व के बारे में बात करेंगे। उसके बाद ट्रांसमिशन की हमें आवश्यकता क्यों होती है और हम किस वोल्टेज पर ट्रांसमिशन करना चाहते हैं, उन सब बातों पर बात चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन की आवश्यकता हमारे को इसलिए पड़ती है क्योंकि विद्युत का उत्पादन और विद्युत का उपभोग या कंजप्शन, उन दोनों के बीच में बहुत अधिक दूरी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि विद्युत को उत्पादन करने वाले के लिए हमारे को जो पावर स्टेशन चाहिए, उन पावर स्टेशन की अनुकूलता, किस प्रकार का पावर स्टेशन लगाना है, हमारे को हाइड्रल पावर स्टेशन लगाना है, हमारे को थर्मल पावर स्टेशन लगाना है, हमारे को न्यूक्लियर पावर स्टेशन लगाना है, हमारे को सोलर पे जाना है, हमारे को विंड पे जाना है, किस प्रकार का पावर स्टेशन लगाना है, उसको डिसाइड करने वाले फैक्टर्स, उसको डिसाइड करने वाले पैरामीटर, उसको डिसाइड करने वाली तथ्य कुछ अलग बातों पर निर्धारित होते हैं, लेकिन पावर की जो डिमांड है वो अलग पैरामीटर पर डिसाइड होती है। बड़ा शहर होगा तो वहाँ पावर की डिमांड होगी, कोई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होगा तो वहाँ पावर की डिमांड होगी और अन्य कई बातों पर। इसलिए पावर की या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमारे को ट्रांसमिशन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है। अगर मैं इसको मिनिमम शब्दों में मिनिमम तरीके से समझाने की कोशिश करूँ तो केवल हमारे को पावर का ट्रांसमिशन या संचरण जिसको हम बोलते हैं उसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि पावर का उत्पादन केंद्र और पावर का उपभोग केंद्र के बीच में दूरी है। तो हमारे को उत्पादित विद्युत ऊर्जा को, उत्पादित बिजली को, उत्पादित पावर को उपभोक्ता तक पहुंचाना है। उपभोक्ता चाहे वो किसी प्रकार का उपभोक्ता हो, चाहे रेजिडेंशियल उपभोक्ता हो, चाहे उपभोक्ता वो कमर्शियल उपभोक्ता हो, चाहे वो उपभोक्ता किसान हो, चाहे उपभोक्ता कोई व्यवसायी हो, चाहे उपभोक्ता कोई इंडस्ट्री हो या किसी भी प्रकार का उपभोक्ता, उसको उसके नीड तक, उसकी आवश्यकता तक बिजली पहुंचाने के लिए हमारे को आवश्यकता होती है और इसीलिए हम बिजली का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसमिशन करते हैं। ट्रांसमिशन के बाद चूंकि हम उत्पादन केंद्र से ट्रांसमिशन को करते हैं वो विद्युत केंद्र तक करते हैं, सब स्टेशन जिसको हम बोलते हैं वहाँ तक करते हैं और उसके बाद हम जो कंज्यूमर होता है उस कंज्यूमर को सप्लाई करते हैं। उस कंज्यूमर को सप्लाई करने के लिए पे जो नेटवर्क होता है उस नेटवर्क को हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बोलते हैं और उत्पादन केंद्र से लेके और ग्रिड सब स्टेशन तक या सब स्टेशन तक जो बिजली को ले जाने का तरीका है या ले जाने का जो माध्यम है, उन लाइनों को या सारा का सारा कार्य, जिस प्रकार से सड़क पे वाहनों को परिवहन करने के लिए हमारे को परिवहन वाहन चाहिए, उसी प्रकार से बिजली का परिवहन करने के लिए हमारे को नेटवर्क की आवश्यकता होती है। उस नेटवर्क में बिजली की लाइन्स होती है, उन लाइन्स के माध्यम से हम उत्पादन केंद्र से लेके बिजली को उपभोक्ता तक पहुँचाते हैं। इस पहुँचाने का जो प्रक्रिया है उसी को हम इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन या विद्युत का संचरण और वितरण के नाम से लेते हैं। विद्युत की उत्पादन चूंकि अलग वोल्टेज में होता है और विद्युत का जो कंजप्शन है या उपभोक्ता की जो डिमांड है वो बिल्कुल अलग वोल्टेज में होती है। विद्युत का उत्पादन की आवश्यकता अलग वोल्टेज है, विद्युत की उपभोग की आवश्यकता अलग वोल्टेज की, और इसी प्रकार से विद्युत का जो ट्रांसमिशन है उस ट्रांसमिशन का लिए अलग वोल्टेज की हमारे को आवश्यकता होती है। हमारे यहाँ अगर मैं इसको सिंगल लाइन में बेसिक लाइन डायग्राम की बात करूं तो यह हमारा एक जनरेशन केंद्र है। यहाँ सामान्यतया जनरेशन जो वोल्टेज होगा वो 11 kV होगा। आजकल भारत में 11 kV की जगह 15.7 kV पे भी हम पावर का जनरेशन कर रहे हैं, लेकिन एक मोटे तौर पर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बिजली का उत्पादन केंद्र है वो वहाँ हमारी बिजली जो उत्पादित हो रही है वो 11 kV हो रही है। उसके बाद हम इसको यहाँ एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा स्टेप अप करते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर से स्टेप अप करने का मतलब, क्योंकि उत्पादन अलग वोल्टेज पे, उत्पादन 11 kV पे, या अगर मॉडर्न जनरेटर्स की बात करें तो उनमें जो उत्पादन वोल्टेज है हमारा वो 15.7 kV, लेकिन उसके बाद हम इसको स्टेप अप करते हैं 11 kV से इसको स्टेप अप करते हैं 220 kV तक या 132 kV भी हो सकता है। यहां से इसको करने के बाद फिर हम ये लंबी ट्रांसमिशन लाइन होगी, इस ट्रांसमिशन लाइन को बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन। इसके बाद
इसके बाद इस प्राइमरी ट्रांसमिशन के बाद आया ट्रांसफार्मर है जो कि 132 केवी से 33 केवी तक होगा, या 33 केवी से फिर हम इसको ये 33 केवी से 11 केवी, और 11 केवी के बाद हम कुछ उपभोक्ताओं को 11 केवी को सप्लाई करते हैं और कुछ 11 केवी के बाद यहाँ आता है 11 केवी पब्लिक 415 वोल्ट या इस 415 वोल्ट को फिर हम आगे उपभोक्ताओं को 230 वोल्ट सिंगल फेज की सप्लाई करते हैं। तो मोटे तौर पर अगर सिंगल लाइन डायग्राम की बात करें तो हमारा जनरेशन वोल्टेज 11 केवी में, उसके बाद हम इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर के माध्यम से, जिसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के माध्यम से इसको 11 केवी को 220 केवी 132 केवी तक स्टेप अप करते हैं। उस स्टेप केवी करने के बाद उस 132 या 220 केवी की लाइन को जितनी ट्रांसमिशन लाइन की हमारी लेंथ होती है, जितनी डिस्टेंस में हमारे को पावर को ट्रांसमिट करना होता है, उस डिस्टेंस में लेके जाते हैं। वहां जाने के बाद हम उस 132 केवी या 220 केवी को 33 केवी तक स्टेप डाउन करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के माध्यम से, और उसके बाद यहां से यहां का जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन, द्वितीयक इस 33 केवी के बाद हम उसको अगेन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के माध्यम से जो
नुकसान होगा वो पावर लॉस के रूप में होगा, अननेसेसरी लाइन के ऊपर बर्डन रहेगा और वो वेस्टेज एनर्जी का वेस्टेज कहलाएगा। तो इसलिए हमने वोल्टेज को मानकीकरण कर रखा है कि हम जो घरों पर काम करने के लिए जो काम करेंगे वो 230 वोल्ट होगा, वो सिंगल फेज होगा। उसके बाद अगला जो वोल्टेज होगा वो 440 वोल्ट का होगा, वो थ्री फेज होगा। उसके बाद अगर हमारे को इसके ऊपर जाना है तो फिर थ्री फेज में 11 केवी पे जाना होगा। उसके बाद 11 के बाद अगला लेवल होगा वो 33 केवी का होगा। उसके बाद अगला लेवल होगा वो 66 केवी का होगा। उसके बाद अगला लेवल 132 केवी का, फिर 220 केवी का, फिर 400 केवी का। और भारतवर्ष में अब पिछले कुछ सालों से 2012 के बाद से हम एक हाईएस्ट वोल्टेज लेवल जो ट्रांसमिशन में काम में ले रहे हैं वो 765 केवी का वोल्टेज है। ये 765 केवी अगर मैं राजस्थान के रिजल्ट की बात करूँ तो 765 केवी की पूरे राजस्थान में केवल एक ही ट्रांसमिशन लाइन है अभी तक, जो कि बटावदा से फागी में जाती है। बटावदा 12 जिले में राजस्थान तहसील में है और फागी जयपुर में है। तो राजस्थान में केवल एकमात्र जो 765 केवी की ट्रांसमिशन लाइन है वो ट्रांसमिशन लाइन 12 बटावदा से और फागी तक जाती है। बाकी और अन्य ट्रांसमिशन लाइन्स अलग अलग जगह पे है। अगर मैं यहाँ झालावाड़ की बात करूँ तो झालावाड़ में 220 केवी की ट्रांसमिशन लाइन है, 220 केवी का ग्रिड सब स्टेशन भी है। उसके बाद आगे अब हमारे को ये पता लगा कि हमारे को पावर को ट्रांसमिट करना हमारी आवश्यकता है, क्योंकि पावर का उत्पादन और पावर का उपभोग उन दोनों के बीच में दूरी है। इसका मतलब ये बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत क्लियर हो चुका होगा कि पावर की हमारे को ट्रांसमिशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है या ट्रांसमिशन हमें क्यों करना है और पावर को डिस्ट्रीब्यूट क्यों करना है। अलग अलग उपभोक्ता का पावर को यूज करने का तरीका, पावर को यूज करने के उसका जो वोल्टेज है वो अलग अलग है। उस अलग अलग वोल्टेज के कारण उसको भी हमारे को जो डिस्ट्रीब्यूशन में अलग अलग वोल्टता पर पावर सप्लाई करनी पड़ती है और उत्पादन अलग है। तो हमारे को उपभोक्ता से लेके तक जो बिजली पहुंचानी है, उत्पादन से लेके उपभोक्ता तक बिजली पहुंचानी है, उसमें हम इस नेटवर्क को काम में लेते हैं। उसके बाद जब ये निश्चित रूप से क्लियर हो गया कि हमने अभी आज का लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं एक बात और बता दूं कि हमारे पास जो ऊर्जा के विद्वान जो स्रोत है, स्रोतों में कई प्रकार के स्रोत हैं जिसमें कि हम सौर ऊर्जा भी है, विंड ऊर्जा भी है और मैकेनिकल एनर्जी भी है, केमिकल एनर्जी भी है। लेकिन उन सारी ऊर्जाओं से हमारे को जो सबसे अच्छी वाली, जिसमें सबसे ज़्यादा अच्छाइयाँ हैं, वो ऊर्जा हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो सबसे अच्छे एडवांटेजेज है वो ये है कि इसको ट्रांसपोर्टेशन आसान है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान है, और दूसरा इसका कंट्रोल करना आसान है, इसको रेगुलेट करना आसान है, और इसका यूजर एंड पे पोल्यूशन फ्री है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूजर एंड पे कंपैरेटिवली पोल्यूशन फ्री है, इसलिए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हैं। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हमने कहा कि हमारे को पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, तो ले जाने के बाद हमारे पास फिर दो बात आ गई कि हम किस प्रकार की ऊर्जा को या किस मोड में ऊर्जा को लेके जाएं यहाँ से। यानी चूंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम है उसमें दो प्रकार की वोल्टता हो सकती है, एसी भी हो सकता है और डीसी भी हो सकता है। क्योंकि एसी और डीसी के दोनों सिस्टम के अपने अपने लाभ और हानि हैं, हम उसको भी एक बार देख लेते हैं। जो ट्रांसमिशन में दो प्रकार के एसी ट्रांसमिशन और दूसरा डीसी ट्रांसमिशन, पहले मैं एसी ट्रांसमिशन के कुछ लाभ बता दूं। जो एसी ट्रांसमिशन में लाभ है वो बता दें, फिर उसके बाद हम एसी ट्रांसमिशन की जो कमियां हैं, खामियां हैं, डिसएडवांटेज उसको डिस्कस करेंगे। और मोटे तौर पे जो एसी ट्रांसमिशन में जो कमियां हैं उसको हमने डीसी ट्रांसमिशन में दूर करने की कोशिश की और वो हमारे को उसमें एडवांटेज के रूप में मिलता है। फिर भी हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। तो एसी ट्रांसमिशन के जो एडवांटेज है वो एसी ट्रांसमिशन के एडवांटेज हम इस तरीके से बात करते हैं। एसी डीसी ट्रांसमिशन
पहले हम एडवांटेज की बात करें, एसी ट्रांसमिशन के एडवांटेज की अगर हम बात करूं तो एसी का सबसे पहला एडवांटेज है कि हमारे को जो पावर, जितनी भी हमारे पावर अवेलेबल है, बल्क पावर अवेलेबल है, वो रोटेटिंग टाइप की मशीन से अवेलेबल है। रोटेटिंग टाइप की मशीन यानी कि अल्टरनेटर या सिंक्रोनस जनरेटर से मिलती है, जो कि एक प्रकार की रोटेटिंग मशीन है। और जब भी कोई रोटेटिंग मशीन से हमारे को पावर मिलती है तो वो आर्मेचर के अंदर हमेशा एसी, चाहे डीसी जनरेटर हो तब भी हमारे को आर्मेचर के अंदर एसी मिलती है और उसके बाद हम उसको कन्वर्ट करते हैं। तो एसी ट्रांसमिशन करने के पीछे हमारा जो जनरेशन है वो जनरेशन ज़्यादा के ज़्यादा एसी में, तो उस एसी को जनरेट करने के कारण हम एसी को काम में लेते हैं। दूसरा एडवांटेज हमारे को, पहला एडवांटेज जनरेशन इन एसी, दूसरा एडवांटेज नंबर ये कि हमारा जितना भी सिस्टम हमारे को मिला हुआ है, हमने अभी तक हमारे को जो भी सिस्टम मिला हुआ है वो अंग्रेजों ने जो हमें सिस्टम बना के दिया वो एसी सिस्टम बना के दिया था, इसलिए हमने एसी ही सिस्टम को काम, यानी डीसी ट्रांसमिशन में इसलिए नहीं जा सकते कि एसी हमारे पास जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, विद्यमान सिस्टम है, उस पूरे सिस्टम को रिप्लेस करना, उस पूरे सिस्टम को बदलना हमारे लिए कंपेरेटिवली महंगा है और टफ है, इसलिए भी हम एसी ट्रांसमिशन की बात करते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एसी सिस्टम, तीसरी जो बात है हमारे को कि एसी में वोल्टेज को स्टेप अप करना और डाउन करना आसान होता है, जैसा कि इसके पहले हमने बात की कि हमारे को पावर को ट्रांसमिशन के लिए हमारा जो जनरेशन वोल्टेज है वो अलग होता है, पावर को ट्रांसमिशन करने का वोल्टेज अलग होता है और पावर को यूज करने का वोल्टेज अलग होता है। इसका मतलब हमारे को अलग अलग स्टेज पे अलग अलग वोल्टेज की आवश्यकता होती है, अलग अलग वोल्टता की आवश्यकता होती है। तो उस वोल्टता को प्राप्त करने के लिए हम जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जिस डिवाइस को काम में लेते हैं वो डिवाइस ट्रांसफार्मर है, और ट्रांसफार्मर एसी ऑपरेटेड डिवाइस है। ट्रांसफार्मर जो एक युक्ति है वो एसी पे काम करती है, इसलिए एसी पे काम करने का मतलब यानी कि वोल्टेज को स्टेप अप करना और स्टेप डाउन करना कंपैरेटिवली आसान है। तो दूसरा एडवांटेज है स्टेप अप एंड डाउन, वो हमारे को एसी पे कंपैरेटिवली आसान है। अगला एडवांटेज एसी में हमारे को अगला एडवांटेज मिलता है कि एसी में स्टेप अप और स्टेप डाउन के बाद अगला एडवांटेज हमारे को एसी में मिलता है कि एसी में हम जब भी कभी सर्किट की मेकिंग और ब्रेकिंग करते हैं तो सर्किट की मेकिंग और ब्रेकिंग करते वक्त वोल्टेज में के कारण उसके बीच में जब भी कांटेक्ट मेक और ब्रेक होते हैं तो उनके बीच में स्पार्किंग उत्पन्न होती है, और उस स्पार्किंग को टाइमली हमारे को क्वेंच करना पड़ता है, बुझाना होता है, अन्यथा वहाँ आग लग सकती है। तो चूँकि एसी में हमारे को एसी का अगर मैं वेवफॉर्म ड्रॉ करूँ तो एसी का वेवफॉर्म हमारे पास 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, भारत में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में एसी का वेवफॉर्म आएगा, यानी एक इस प्रकार की यहाँ से यहाँ तक की जो एक साइकिल है एसी 50 साइकिल के लिए एसी 50 साइकिल होंगी। 50 साइकिल होने का मतलब इस प्रकार के एक और दो, इस प्रकार के 100 बार एसी में हमारे को 100 बार नेचुरल जीरो मिलेगा, 100 नेचुरल जीरो मिलेगा। इस 100 बार नेचुरल जीरो होने के कारण करंट को मेक और ब्रेक करना हमारे लिए कंपैरेटिवली आसान होता है। तो मेकिंग और ब्रेकिंग कंपैरेटिवली हमारे लिए आसान होती है एसी। डिसएडवांटेज नंबर 1 कि जैसे जैसे
यूनिट बढ़ती जाती है हमारे को बल्क पावर को ज्यादा पावर को अधिक यूनिट तक अगर ट्रांसमिट करना पड़ता है ट्रांसमिशन करना पड़ता है तो हमारे को एसी में जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है वैसे वैसे उसकी कॉस्ट बढ़ती जाती है। और अगर मैं इसको ग्राफ के माध्यम से समझाने की कोशिश करूं तो डिस्टेंस एंड पावर की मैं बात करूं तो एसी जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से चलता है। ये एसी लाइन है जबकि जो डीसी होती है वो डीसी कुछ इस तरीके से फॉलो करती है। यानी एक सर्टेन डिस्टेंस तक एसी सस्ता होता है और उसके बाद जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है उस दूरी के बाद हमारे को डीसी ट्रांसमिशन सस्ता होता जाता है और इस डिस्टेंस को बोलते हैं ब्रेक इवन डिस्टेंस। इसको बोलते हैं ब्रेक इवन डिस्टेंस जो लगभग 635 किलोमीटर होती है। 635 किलोमीटर होती है। 635 किलोमीटर से कम डिस्टेंस पर अगर हमारे को पावर ट्रांसफर करना है तो जो कॉस्ट है हमने पूरे भारतवर्ष के नेटवर्क को पांच
भागों में विभाजित कर रखा है, यानी हमने हमारी कल्पना है कि हम नेशनल ग्रिड को बनाएंगे, पूरे भारत को एक ग्रिड से कनेक्ट कर देंगे, एक पूरे नेटवर्क से कनेक्ट कर देंगे। उसके लिए हमने पूरे भारत को 5 रीजनल क्षेत्रीय ग्रिड में डिवाइड किया हुआ है, जैसे नॉर्दर्न ग्रिड, उत्तरी ग्रिड, दक्षिणी ग्रिड, पूर्वी ग्रिड और पश्चिमी ग्रिड और एक नॉर्थ ईस्ट, जो कि उत्तर पूर्व के जो 7 राज्य उनको कनेक्ट करता है। तो उन ग्रिड को हम एक वोल्टेज पे संचालित करने की, यानी उस ग्रिड से कनेक्टेड जितने भी पावर स्टेशन है वो पावर स्टेशन के सारे जनरेटर एक ही फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं। हम जब भी एक रीजनल ग्रिड से दूसरी रीजनल ग्रिड में पावर ट्रांसमिशन की बात करते हैं, उस परिस्थिति में निश्चित रूप से जिस रीजनल ग्रिड में पावर की शॉर्टेज होगी वहाँ की फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम हो जाती है, जिस जगह पावर की अवेलेबिलिटी होगी क्योंकि सप्लाई वही करेगा जिसके पास अवेलेबिलिटी है, निश्चित रूप से उसके पास सरप्लस अवेलेबल हो, उस वक्त जिस वक्त सप्लाई होने की बात हम कर रहे हैं, उस सप्लाई होने की वक्त उसकी चूंकि अवेलेबिलिटी अधिक है इसलिए उसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो यानी हम 50 हर्ट्ज से अधिक फ्रीक्वेंसी की पावर को, 50 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी की पावर को जब हम सप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो फ्रीक्वेंसी मिसमैचिंग के कारण शॉर्ट सर्किट की घटना हो जाती है। तो इस संभावनाओं को खत्म करने के लिए जब भी हम इंटर ग्रिड पावर ट्रांसमिशन करते हैं, यानी नॉर्थ ग्रिड से साउथ ग्रिड को, नॉर्थ ग्रिड से वेस्टर्न ग्रिड को, या किसी भी आपस में भारत के जो 5 एरिया हमने बना रखे हैं रीजनल ग्रिड्स का, यहाँ से जब हम पावर को एक दूसरे को देने की कोशिश करते हैं उस परिस्थिति में हम HVDC सिस्टम को काम में लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं HVDC लीन। तो हम अभी फिलहाल कोस्ट की बात कर रहे थे, कोस्ट के रूप में हमने पाया कि 635 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस होने के कारण, तो ये हमारे को ये एडवांटेज, एसी का एडवांटेज ये है कि अगर 635 किलोमीटर जो कि सामान्यतः हमारे पास होती है इसलिए एसी में ट्रांसमिशन करते हैं, अगर 635 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस होगी तो हमारे को डीसी में ट्रांसमिशन करना होगा। दूसरा जो डिसएडवांटेज है वो एसी के डिसएडवांटेज, हाई कॉस्ट एट डिस्टेंस मोर देन ब्रेकिंग डिस्टेंस। दूसरा जो डीसी एसी का डिसएडवांटेज है वो एसी में हमारे पास 3 पैरामीटर होते हैं, रेजिस्टेंस, ट्रांसमिशन लाइन के पूरे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में मोटे तौर पर अगर जिन पैरामीटर्स को हम बात करते हैं वो 3 पैरामीटर्स हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। जब डीसी होता है तो वहाँ ना इंडक्टेंस होता है ना कैपेसिटेंस होता है, लेकिन एसी में फ्रीक्वेंसी होने के कारण कैपेसिटेंस भी होता है और इंडक्टेंस भी होता है। तो कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस जहाँ भी होता है वहाँ पावर फैक्टर की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, और उस पावर फैक्टर की प्रॉब्लम आने के कारण जो ट्रांसमिशन होता है उस ट्रांसमिशन में हमारे को इफेक्टिवली हम उसको इतना यूज नहीं कर पाते जितना हमारे को आवश्यकता होती है, हमारी जो रियल और अपेरेंट पावर होता है उसमें डिफरेंस होता है, इस कारण से हमारे को उसमें परेशानी होती है। तो जो एल और सी के कारण पावर फैक्टर होता है उस पावर फैक्टर से हमारे को पावर को कंट्रोल करने में परेशानी होती है। दूसरा तीसरी बात जो एसी के साथ हमारे साथ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अब उसके बाद हम ट्रांसमिशन लाइन की अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो एसी ट्रांसमिशन लाइन है उस एसी ट्रांसमिशन लाइन की स्टेबिलिटी कम होती है, लो स्टेबिलिटी एट लार्ज डिस्टेंस, यानी स्टेबिलिटी जैसे इसके सबसे स्थायित्व ट्रांसमिशन लाइन में सिस्टम में स्थायित्व की जो बात है वो केवल ये है कि जब भी हम ट्रांसमिशन लाइन में कभी भी लोडिंग अनलोडिंग या कोई भी सर्किट को ऑफ और ऑन करते हैं तो उसके ऑन ऑफ और ऑन करने का
जो अतिरिक्त बिजली की सप्लाई या सप्लाई ना करने की जो बनती है वो सारे जो पावर जो सप्लाई करनी है वो जनरेटर करनी है। तो जैसे हम लोडिंग अनलोडिंग करते हैं उस लोडिंग और अनलोडिंग करने के कारण उसका जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट सीधा जनरेटर पे जाता है और उस जनरेटर पे जाने के कारण कई बार अगर लोडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है तेज हो जाती है एकदम झटका होता है तो उसकी वजह से जो जनरेटर होता है वो जनरेटर अनस्टेबल मोड में चला जाता है। तो उस अगर मैं स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्टेंस और स्टेबिलिटी का एक ग्राफ है ऐसी कि अगर मैं बात करूं तो ऐसी ट्रांसमिशन लाइन की जो स्टेबिलिटी वो एक सर्टेन डिस्टेंस तक रहती है तत्पश्चात वो तेजी से घटती और डाउन होने लगती है जबकि जो डीसी ट्रांसमिशन लाइन होती है उस डीसी ट्रांसमिशन लाइन की स्टेबिलिटी चाहे डिस्टेंस कितनी भी हो वो हमेशा स्थिर होती है। यानी स्टेबिलिटी डीसी ट्रांसमिशन लाइन स्टेबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस कितनी भी डिस्टेंस तक हमारे को पावर ट्रांसमिट करनी हो उसकी स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती जबकि एसी ट्रांसमिशन लाइन में जो स्टेबिलिटी होती है वो समय के साथ डिस्टेंस के साथ बदल जाती है और ये सामान्यतः ब्रेक इवन डिस्टेंस के बाद जैसे ब्रेक इवन डिस्टेंस होती है उसके बाद इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू इतनी तेजी से बढ़ जाती है कि उसकी स्टेबिलिटी एकदम तेजी से गिरने लग जाती है और हम उस ट्रांसमिशन लाइन को काम में लेने में उस ट्रांसमिशन लाइन को कंट्रोल करने में उसके वोल्टेज प्रोफाइल को मेंटेन करने में हमारे को प्रॉब्लम होती है। दिस एक बात हो ऐसी ट्रांसमिशन लाइन में जो एक और प्रॉब्लम हमारे बहुत ही हुई होती है कि चूंकि डीसी ट्रांसमिशन लाइन में तो पूरी ट्रांसमिशन लाइन में जो कंडक्टर है उसकी डिस्टेंस केवल रेजिस्टेंस ही होगा तो वोल्टेज ड्रॉप बिल्कुल समान रूप से होगा लेकिन एसी ट्रांसमिशन लाइन में सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड के वोल्टेज के प्रोफाइल जो होता है उसमें बदल जाता है। प्रोफाइल का मतलब जो सेंडिंग एंड का वोल्टेज है वो सेंडिंग एंड का जो वोल्टेज है वो बैलेंस वोल्टेज है यानी तीनों फेज में वोल्ट का बिल्कुल बराबर है और वो तीनों फेज एक दूसरे से 120 डिग्री के फेज डिस्प्लेसमेंट पे बने हुए हैं लेकिन चूंकि ट्रांसमिशन लाइन में इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का इफेक्ट है उस इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के इफेक्ट के कारण जब हम रिसीविंग एंड पे आते हैं तो रिसीविंग एंड पे हमारे को जो पावर मिलती है उस पावर का जो वोल्टेज प्रोफाइल है बिगड़ जाता है। बिगड़ने का मतलब ये हुआ कि उसका रिसीविंग एंड पे जो वोल्टता है वो तीनों फेज की वोल्टता के समान हो जाती है और वोल्टता समान होने के साथ ही साथ उनके तीनों के बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री ना होकर बदल जाता है कभी 118 हो जाएगा किसी के 122 हो जाएगा और उस वजह से उसको हम जब उपयोग करते हैं जब चूंकि प्रोफाइल खराब हो गया तो उसको जब किसी भी उपभोक्ता को हम सप्लाई करते हैं तो वहाँ अनबैलेंसिंग की स्थिति पैदा हो जाती है और अनबैलेंस कंडीशन में अनावश्यक रूप से मीटर में जो करंट है वो अनावश्यक करंट फ्लो होगा। उसके बाद जो ये डिसएडवांटेज है वही ऐसे एडवांटेज बनते जा रहे हैं। उसके बाद हम आगे की बात करें तो ट्रांसमिशन लाइन में जैसे पावर फैक्टर का आएगा तो उस पावर फैक्टर के कारण भी ट्रांसमिशन लाइन में लॉसेज बहुत ज़्यादा होते हैं और उस लॉसेज को सेम पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हमारे को कंपेरेटिवली अधिक करंट को काम में लेना पड़ेगा या अधिक करंट को ट्रांसमिट करना पड़ेगा। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे कंडक्टर की साइज बढ़ानी पड़ेगी। कंडक्टर की साइज बढ़ाने के कारण हम ये पाते हैं कि कॉस्ट बढ़ जाएगी। कंडक्टर की साइज बढ़ेगी तो कंडक्टर सेल्फ की कॉस्ट बढ़ेगी। कंडक्टर की साइज बढ़ेगी तो कंडक्टर का वेट बढ़ेगा। कंडक्टर का वेट बढ़ेगा तो हमारे को जो मैकेनिकल स्ट्रक्चर हम काम में लेते हैं उस मैकेनिकल स्ट्रक्चर की भी कीमत बढ़ जाएगी और उस कीमत बढ़ जाने के कारण सिस्टम की ओवरऑल हमारी कॉस्ट बढ़ेगी। तो ये जो भी एसी के डिसएडवांटेज थे वो सारे के सारे डीसी के एडवांटेज थे। हमने जब शुरू में बात की थी कि ट्रांसमिशन लाइन में 635 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस की बात करेंगे उस 635 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस पे ही हमारे को एसी ट्रांसमिशन 635 किलोमीटर से ज्यादा ही हमारे को डीसी ट्रांसमिशन सस्ता पड़ता है। इनफैक्ट वो 635 किलोमीटर की जो डिस्टेंस आई है वो इसलिए आई है क्योंकि हमारा जो जनरेशन है वो एसी में होता है
और यूटिलाइजेशन भी एसी में होता है। तो जब भी हम डीसी ट्रांसमिशन करते हैं तो हम उस एसी पावर को पहले डीसी में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्टर लगाते हैं, और बाद में यूजर एंड में ले जाने के बाद हम उसी पावर को अगेन जो डीसी होती है उस डीसी को इन्वर्टर के माध्यम से अगेन एसी में काम में लेते हैं। तो हम जब इसको इस कार्य को करते हैं तो उस कार्य को करने में हमारे प्रोसेस होते हैं। जब हम पहले एसी को डीसी में बदलते हैं तो वहाँ लॉस होता है, फिर डीसी को एसी में बदलने में वहाँ लॉस होता है, और साथ में इन सारे कार्यों को करने के लिए जिस मशीनरी जिस सेटअप की आवश्यकता होती है उस सेटअप की अपने आप में कॉस्ट होती है। तो इसलिए उस सेटअप की कॉस्ट को और उस लॉसेस को मीट आउट करने के लिए हमारे को ब्रेक इवन डिस्टेंस या 635 किलोमीटर तक की दूरी की आवश्यकता होती है। अदरवाइज अगर हमारे पास जनरेशन एसी में होता और अगर सॉरी जनरेशन डीसी में होता और उसका उपभोग भी हम डीसी में कर रहे होते तो हमारे को चाहे वो एक किलोमीटर की भी डिस्टेंस होती, एक मीटर की भी डिस्टेंस होती, डीसी ट्रांसमिशन ही हमारे को सस्ता पड़ता। पर चूंकि हमारे को एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है, यूजर एंड पे अगेन हमारे को डीसी को एसी में कन्वर्ट करना है, तो उस मशीनरी और उस सेटअप के लिए हमारे को जो एडिशनल एक्सपेंडिचर करना पड़ता है उसको मीट करने के लिए हमारे को वो डिस्टेंस की आवश्यकता होता है, वो यानी 635 किलोमीटर ब्रेकिंग डिस्टेंस के बाद जाकर हमारे को बराबर हो पाता है या उसके बाद हमारे को लाभदायक होता है।